भागीदारी संकल्प मोर्चा के तत्वावधान में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में लॉकडाउन को संज्ञान में रखकर काली पट्टी बांधकर राज्य व केंद्र सरकार की शिक्षा किसान विरोधी नीतियों गरीब लाचार असहाय प्रवासी मजदूरों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया गया, जिनमें उनकी मुख्य मांगे मजदूरों को उनके घर तक निशुल्क पहुंचाया जाए, मजदूरों को जीविका का साधन उपलब्ध कराया जाए, छोटे व मझले किसानों का कर्ज माफ किया जाए, सब्जी विक्रेताओं उत्पादकों एवं फुटकर दुकानदारों को बिना ब्याज कर्ज उपलब्ध कराया जाए। विरोध प्रदर्शन करने वालों में मुख्य रूप से अजय कुशवाहा सैदपुर, पूर्व विधान अध्यक्ष नीरज कुशवाहा, विवेक गुप्ता डिम्पी, सूरज कुशवाहा, चंदन कुशवाहा व अन्य लोग भी मौजूद थे। तहसील क्षेत्र सैदपुर से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। मैं चाहता हूँ आज आप लोग काली पट्टी बांध के आखिर क्यों काली पट्टी बांधे हैं? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ और आपके आगमन पे आज हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा का जो एक दिवसीय आज धरना प्रदर्शन है, जो लॉकडाउन को देखते हुए अपने अपने स्थानों से निवास स्थानों से ही किया जा रहा है। और इसका कारण यह है कि हम लोग मजदूरों को जो भी श्रमिकों को दिक्कत आ रही है वो सरकार की नीतियों को देखते हुए रखा गया है। सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए, क्योंकि हम रोड पे उतर नहीं सकते, इसलिए हम लोगों ने अपने घर से ही इसको करना शुरू किया है। जो किसानों की दिक्कत आ रही है, श्रमिकों को दिक्कत आ रही है, बाहर से आने जाने वाले लोगों की दिक्कत आ रही है, इसी के बारे में हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं और आगे भी ये तैयारी करते रहेंगे। और फिर थोड़ा सरकार को संदेश भी देना चाहते हैं कि सरकार किस तरह से हमारे लोगों को, बाहर से आए हुए लोगों को अपने अपने गंतव्य स्थानों पर बिना उनको किसी परेशानी के भोजन राशन पानी देते हुए आराम से पहुंचाए, क्योंकि जितने लोग चल रहे हैं इतने दुखी हैं, 3-4 दिन के भोजन नहीं किए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो दूध बिना तरस रहे हैं। आज की स्थिति यह है कि हमको सरकार का ध्यान आकर्षित कराना पड़ रहा है हम लोगों को, कि आकर्षित न करवा के तो फिर हम पीछे मदद करें, क्योंकि हमारे पास भी स्थितियां ऐसी कि हम वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, या मदद हम लोग रात दिन कर रहे हैं पहुंचा, सरकार भी हमको भी रोकती है, वो मदद सरकार अपने से पहुंचाए, यही हमारी अपेक्षा सरकार। प्रवासी मजदूरों के साथ साथ यहाँ पे किसानों की भी उपेक्षा हो रही है, किसानों को उनकी फसल की लागत नहीं मिल पा रही, जिससे किसान परेशान है, छोटे उत्पादक परेशान है, उनके ओर भी सरकार ध्यान दे, इसलिए हम लोगों ने आज काली पट्टी बांध के उनके विरोध में अपने यथास्थान, अपने घर, अपने दुकान, अपने दरवाजे से अपना विरोध प्रदर्शन हम लोग जारी रखते हैं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 8445657566।